भाई मु कन्फ्यूजन रे अछि स्कॉलरशिप को लेकि भाई मु केउ स्कॉलरशिप को अप्लाई करबी ना पोस्ट मैट्रिक को अप्लाई करबी ना कालिया स्कॉलरशिप ना लेबर कार्ड स्कॉलरशिप केउ स्कॉलरशिप को अप्लाई करबी एक्चुअली मु पा तीनोटा स्कॉलरशिप रे एलिजिबल अछि भाई मु दुईटा स्कॉलरशिप रे एलिजिबल अछि मु बहुत ही बड़ टेंशन रे अछि कि केउ स्कॉलरशिप को अप्लाई करबी। सो हाय एवरीवन, आई एम प्रकाश साहू, योर डेडिकेटेड मेंटर एंड गाइड। तो आज वीडियो टी होची पूरा कंप्लीटली जदि मु कहबी स्कॉलरशिप को लेकि, तो फास्ट भाई मत गोटे जिनस कहो, आम स्कॉलरशिप को कहीं अप्लाई करवा ना जो स्कॉलरशिप रे आमको अधिक अमाउंट मिलू से स्कॉलरशिप को अप्लाई कले बेटर। आम अमाउंट पर ही तो स्कॉलरशिप अप्लाई करते ना भाई, ताहले गोटे जिनस है कि आम एमती गोटे स्कॉलरशिप को चूज करवा जो स्कॉलरशिप रे कि आमर अधिकारू अधिक अमाउंट मिलूवा दरकार। कहीं भाई आम तीनोटा जगह स्कॉलरशिप रे एलिजिबल अच्छा, किंतु आम इनिट्यूट केवल गोटे स्कॉलरशिप को ही रेकमेंड कर। देख भाई, मुझे आज वीडियो जनइबी कि तुम्हें बीटेक रे क्यों स्कॉलरशिप पूरा बेटर ऑप्शन रही है। जदिओ तुम्हें तीनोटा स्कॉलरशिप रे एलिजिबल अछो, जदिओ तुम्हें दुईटा स्कॉलरशिप रे एलिजिबल अछो, ताहले तुम्हें क्यों स्कॉलरशिप को अप्लाई करिवो जो स्कॉलरशिप की तुम्हें बेटर ऑप्शन रही है, सही विषय में डिटेल एनालिसिस करिवा। तो फास्ट जिनस देखनी कि तुम्हें क्यों स्कॉलरशिप एक्चुअली रे एलिजिबल अछो, ए जिनसटा प्रथम निजे चेक करनी। ओके, तो देख यार, आम पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप रो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन सी ना, पेरेंट्स और गार्डियंस फ्रॉम ऑल सोर्सेस शैल नॉट एक्सीड रुपीज 250,000 फॉर एनम। दैट मींस तुम बाबांकर हो कि मांकर हो, टोटल सोर्सेस मिसिकी पर एनम जदि तुम 250,000 रु कम होतबो, ताहले जाई कि तुम्हें पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप को अप्लाई करि नै पारिबो। ओके, मुझे जदि कहि तुम इनकम सर्टिफिकेट जहार भी अच्छी बापांकर हो कि मांकर इनकम सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट रे तुम टोटल सोर्स ऑफ इनकम केते होतबा दरकार ना 250,000 रु कम होतिले तुम्हें पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप को अप्लाई करि नै पारिबो। आउ गोटे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहुछि कि मिनिमम 50% इन लास्ट एग्जाम अपीयर। तुम्हें जो कोर्स भी एवं जॉइन हो मैंने बीटेक करुच जदि ठीक अच्छे, ताले से बीटेक कोर्स रे तुम्हारा जहाँ भी लास्ट एग्जाम थिला से एग्जाम रे तुम्हारा निहाती भाव में 50% जदि अच्छी तुम्हें पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप को अप्लाई कर नहीं पार। ओके, आम देखने कि कालिया स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन ना भाई, हिज और हर पेरेंट इज ए कालिया बेनिफिशियरी। दैट मीन्स तुम बापा कि माँ जी भी हूँ ना कहीं, जदि कालिया योजनार टंका पाउछंती से कालिया बेनिफिशियरी अटंती, ताहले तुम्हें मध्य कालिया स्कॉलरशिप को अप्लाई करि नै पारिबो। काहेकि ना भाई, जेते बेर तुम्हें कालिया स्कॉलरशिप को अप्लाई करिवा पई चाहिबो, तुम बापांकर किंवा माँकर जी भी कालिया योजनार टंका पाउछंती, सेठी गोटे तांकर कोन कालिया बेनिफिशियरी आईडी अछि सेटा रिक्वायरमेंट हबो। सेहिते भाई मेन क्राइटेरिया हौछि कि तुम बापा हूँ किंवा माँ हूँ जने कालिया बेनिफिशियरी हेतिबा निहाती जरूरी, ताहले जाई कि तुम्हें कालिया स्कॉलरशिप को अप्लाई करि पारिबो। ये हला मेन एलिजिबिलिटी। ओके, तापर जदि हमरो लेबर कार्ड स्कॉलरशिप रो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आमे देखिबा, जदि तुमरो बापांकर हो किमा मांकर जहार भी जणकर जदि लेबर कार्ड अछि, ताले तुमे लेबर कार्ड स्कॉलरशिप को अप्लाई करि नै पारिबो। ओके, तो ये थिला हमरो तीनोटी जाको स्कॉलरशिप रो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जोडा कि मु तुमको जणे देली। एबे तुमे जानि पारथबो कि तुमे केउ स्कॉलरशिप पई एक्चुअली रे एलिजिबल अछो। कहीं ना भाई, मुझे सर्टली यही पाई कहली कारण मुझ पूर्व वीडियो रे ऑलरेडी वन बाय वन स्कॉलरशिप रो डिटेल्स एनालिसिस करी की कही सारी। तो आशा करुच्छे कि समस्ते निजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जापारी थे, कौ मैंने के स्कॉलरशिप एलिजिबल अच्छा ये जिनस जापारी थे, ताहले एबे देखिनियो कि आमको पर स्कॉलरशिप केते अमाउंट दौर जो मैंने भी पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप एलिजिबल अच्छा, जदि से ही पिला मैंने आम एस टी कि एस सी कैटेगोरी बिलंगस करेक् कर हॉस्टल रोचान, हॉस्टलर पिला आमर 55,000 टंका मिलूची जदि से कास्ट एस टी किंबा एस सी रही, ताहले से 55,000 टंका मिल जिवो। आउ जो पिला माने पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप रे एलिजिबल अछंती एवं से माने जदि ओबीसी एससीबीसी ईबीसी कैटेगरी रु बिलंगस करछंती, ताहले सेई पिला मानको हमर पर एनम 20,000 टंका मिल जिवो। ओके, जदि से माने हॉस्टलर अटंती, जदि मु गोटे जिनस कहबी भाई, एटा हमर रियलिटी कथा हला कि वीएसएस यूटी बुल्ला रे एटा हमर 2021 रे मिलिथिला, जो पिला मानको 2021 रे एतिकी टंका मिलिथिला से माने जेतेबेले 2022 रे अप्लाई करथिले से मानकर अमाउंट टिके कमी जायतिला। मु काई कि जानिनी जो माने भी हमर अप्लाई करथिले एसटीएससी पिला से पिला मानको फास्ट माने 2021 रे 55,000 टका मिलिथिला, किंतु 2022 रे समान को 45,000 मिलला। ओके, तापर जदि मु कहबी ओबीसी एससीबीसी पिला मानको फास्ट टू 26,000 मिलुथिला, किंतु 2022 रे कोन हेछि ना समान को 20,000 टका मिलुछि। ओके, एटा हला प्रॉपर जिनसो। ये तो थिला हमरो पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप रे आमको केते टका मिलुछि डिटेल्स ली मु तुमको जणै देली। तापर एबे देखिनियो कालिया स्कॉलरशिप रे केते टका मिलुछि ना भाई, कालिया स्कॉलरशिप रे पर एनम आमको 45,650 टका मिलि जाउछि। मु गोटे जिनस कहुछि भाई, एठी जो मु अमाउंट्स कथा कहुछि, सबु कॉलेज रे अमाउंटटा
के जमीती है डिफरेन्ट रोक कहीं अमाउंट सब डिपेंड करुच्ची तुम कोर्स फी उपरे ओके जहार कोर्स फी टे अधिका थी से अमाउंटा टी अधिका मिल जार कोर्स फी टे कम अच्छी से जस्ट हजार दुई हजार डिफरेन्स एमती अमाउंटा मिल कि अप्रोक्सीमेटली सेम मिल ओके जदि मुझ कालिया स्कॉलरशिप अमाउंट कथ कह जेनेल ओबीसी एससीबीसी एस टी एंड एस सी समस्त कह टोटाल पर आनम आम को कालिया स्कॉलरशिप पैंतालीस हजार छःशह पचास टाँचा मिल जाऊँगी पर आनम एवं जदि मुझ अन्य कॉलेज कथा कह हुए तो हजार दुई हजार एपट सेपट हो पारे ना अप्रोक्सीमेटली यही सेम मिल जाऊँगी अमाउंट पैंतालीस हजार छःशह पचास अप्रोक्सीमेटली मिल जाऊँगी सब कॉलेज रे अप्रोक्सीमेटली ठीक अच्छे तापर जदि आम कह लेबर कार्ड स्कॉलरशिप कथा समस्त पिले जेनेल ओबीसी एससीबीसी एस टी एंड एस सी समस्त पिले लेबर कार्ड स्कॉलरशिप निर्माण श्रमिक कल्याण योजना स्कॉलरशिप रे पर आनम आमको चालीस हजार टाइम मिल जाऊँगी समस्त ओके कह तुम्हें क्यों स्कॉलरशिप को एक्चुअली रे अप्लाई करिबा निहाती जरूरी बीटेक लाइफ रे मुझे जोड़ा कही पूर्व तुमको कहबी बोली ताले सही जिनसा मुझे तुमको जनई दौर कहीं तुम्हें बहुत सारा पिला कन्फ्यूजन में अच्छा भाई मुझे जापार नहीं कौ स्कॉलरशिप को अप्लाई करी बोली तो देख जदि तुम्हें बीटेक करुच एवं तुम कैटेगरी जदि जेनेल कि ओबीसी कि एससीबीसी ईबीसी यही चारोटी कैटेगरी मध्य तुम्हें जेकोसी भी कैटेगरी बिलंगस करुथाओ ना कहीं तुम्हें जदि एलिजिबल अछ बोथ कालिया स्कॉलरशिप रे आउ लेबर कार्ड स्कॉलरशिप रे एलिजिबल अछ ताले तुम्हें क्यों स्कॉलरशिप को पिले अप्लाई करिवो ना भाई रे तुम्हें कालिया स्कॉलरशिप को अप्लाई करिवो काहेकि ना कालिया स्कॉलरशिप रो अमाउंटा अधिक जोडा कि मु कहले पैंतालीस हजार छःशह पचास टंका काहेकि ना लेबर कार्ड रे आमको केते टंका मिलुछि ना चालीस हजार टंका मिलुछि ऑब्वियसली आमको अमाउंट मिलिबार अछि ताले आमको कालिया स्कॉलरशिप को अप्लाई करिवार अछि जदि तुम्हें एलिजिबल अछ बोथ कालिया स्कॉलरशिप आउ लेबर कार्ड स्कॉलरशिप ताहले जाके तुम्हें कौन करिबो ना कालिया स्कॉलरशिप को अप्लाई करि नै पारिबो ओके जदि तुम्हें एलिजिबल अछ तीनटा जाक स्कॉलरशिप रे ताहले तुम्हें कौन अप्लाई करिबो भाई ना कालिया स्कॉलरशिप को अप्लाई करि नबो जो माने भी जनरल ओबीसी एससीबीसी ईबीसी कैटेगरी रु बिलोंग्स करूछो तापर जो माने पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप रे एलिजिबल अछ आउ जो माने भी आमरो लेबर कार्ड स्कॉलरशिप रे एलिजिबल अछ तुम्हें क्यों स्कॉलरशिप को अप्लाई करिवो ना भाई तुम्हें पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप को अप्लाई करिवो अरे भाई की कथा कहिलो भाई ना आमे तो लेबर कार्ड स्कॉलरशिप रे जानु छी जे 40000 टका मिलु छी किंतु आमको तो पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप रे बहुत ही कम टका मिलु छी माने 20000 टका मिलु छी ताहले आमे काहे की पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप को अप्लाई करिवो ना भाई तार गोटे पर्सनल रीजन अछि जोडा कि मु पब्लिकली कहिबाटा ठीक नहो तुम्हें चाहिले निज कॉलेज रो सीनियर्स मानको पचारी नै पारिबो जदि तुमको लागे तुम्हें लेबर कार्ड स्कॉलरशिप को अप्लाई करि नै पारिबो ताहले तुम्हें अप्लाई करिवो किंतु मो पर्सनल रीजन रहिला कि तुम्हें पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप को अप्लाई कले तुम्हें रिस्क फ्री रहिबो आउ तुम अमाउंट 100% मिलिबो बोले मु गारंटी देकी कहि पारिबि ओके किंतु सब जिनस भाई पब्लिकली कहि हबनी टिके बुझि जाओ यार बुझि पारछ त ताहले मु एई जो कैटेगरी कथा कहली क्यों स्कॉलरशिप को तुम्हें अप्लाई करिबो बोली एई कैटेगरी कथा कहाँ पाई एलिजिबल ना भाई जो माने जनरल ओबीसी एससीबीसी ईबीसी कैटेगरी बिलोंग्स करछन सेही पिला मानको पाई कहली जदि तुम्हें केवल ही केवल गोटे स्कॉलरशिप रे एलिजिबल अछ बा एप्लीकेबल अछ ताहले तुम्हें ऑब्वियसली तो सही गोटे स्कॉलरशिप को ही अप्लाई करिवो ना भाई ताहले जो पिला माने हमरो एसटी किंबा एससी कैटेगरी रु बिलोंग्स करछन ताहले से माने केउ स्कॉलरशिप को अप्लाई करिवे ना भाई तुम्हें कोनोसी भी आउ स्कॉलरशिप को अप्लाई करो नै गोटे स्कॉलरशिप तुम पाई रहउछि जोडा हला पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एही स्कॉलरशिप को समस्त अप्लाई करो कहीं ना भाई तुम पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप रे हेवी अमाउंट मिलू जोड़ा मुझे ऑलरेडी 55000 टंका कन्फर्म मिल जाऊँ ओके से जो माने भी एस टी कि एस सी कैटेगरी बिलंगस करकमेंड करी पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप को अप्लाई करने कहीं पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप क्यों डिपार्टमेंट जा एस टी एंड एस सी एंड एम बी सी वेलफेयर डिपार्टमेंट जा दृष्टिकोण अमाउंटा टे अधिका रोचे एस टी और एस सी पाला बुझीगला कि समस्त को ताले भाई मुझे जहाँ भी कहली जो मैंने जेनेल ओबीसी एससीबीसी ईबीसी पिला अच्छा मुझ जो भाया कहली से स्कॉलरशिप को अप्लाई कले भल रुमें बीटेक मैंने से अमाउंटा टे अधिका रोचे से ही दृष्टिकोण तुम्हें से स्कॉलरशिप को ही अप्लाई करो जोड़ा मुझे तुमको एनालिसिस करके कहली ओके तापर तो तुम्हें समस्ते जानको अप्लाई प्रोसेस कौन ना भाई तुम्हें निजे फास्ट ऑफ ऑल अप्लाई करो जो स्कॉलरशिप रे भी एलिजिबल अछ अप्लाई कर सारापुर कौन हम ना तुम कॉलेज रेकमेंड करो जो कौन सी भी कोटी को ही रेकमेंड करो कहीं तुम एवं जो रिसेंटली भी देख स्कॉलरशिप रे जब तुम दुईटा अप्लाई करने चाहिए तो स्कॉलरशिप रे गोटे वार्निंग आसूची बाहर की यू हाव ऑलरेडी अप्लाई इन वन स्कॉलरशिप सो यू कैन नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन अनदर स्कॉलरशिप यही जिनस ऑटोमेटिकली आसूची बाहर एवं सो करुच्छे लगी आगर मुझे जानी भाई दुईटा तीन टा स्कॉलरशिप आम अप्लाई करूँ
କିନ୍ତୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉନି ଓକେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିବ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗୋଟେ ସ୍କଲାରସିପ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବ ତାପରେ ପୁଣି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଥରିଟି ଯିଏ ଥିବେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବେ ତାପରେ ପୁଣି ତୁମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିସାରିବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମର ପୁଣି କଲେଜକୁ ସେଇ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଆଯିବ ବା ଆମାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଆଯିବ ସେଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ପୁଣି କ'ଣ ହବ ନା ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୁଣି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯିବ ଓକେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ହଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ଆଶା କରୁଛି କି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଥିବ ରେ ସୋ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ ଟେକ୍ କେୟାର ବାଏ ବାଏ।